भाषण का अनुवाद कर रही है वो राज्यसभा की सांसद कोन्याक जी। मला स्पीच ट्रांसलेट करले होती था मला दिखलो सांसद पार्लियामेंटेरियन कोन्याक जी। ईएनपीओ के अध्यक्ष जिन्होंने अभी ईएनपीओ के द्वारा चुनाव का बहिष्कार वापिस लेकर डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथ किया है ऐसे संगता जी। मोलो दिखलो थका ये दे ईएनपीओ ला प्रेसिडेंट और लीडर्स खान कुन डिसाइड करी ना इजा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पार्टिसिपेट करो बना इलेक्शन दे एब्सेंस करो बोले लगा तहन रिवोक करी ना आई ना से सभी लोग इनके लिए ताली बजाकर स्वागत करो। मैंने एक बार क्लैप करना वेलकम करो। कोन्याक यूनियन के अध्यक्ष श्री थिंग टॉक कोन्याक जी। कोन्याक यूनियन प्रेसिडेंट थिंग टॉक कोन्याक। आज के कार्यक्रम में आए हुए हमारी 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी प्यारे भाइयों बहनों आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और यदि आइना जमा गुना था 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर अमाला कोवाई भाई खान अपने सब के मलाग अमाला कोवाई भाई खान अपने सब के मलाग रिस्पेक्ट दिए से। आज मैं मॉन टाउन में मेरे जीवन में पहली बार आया हूँ और रात को आप लोगों के साथ रुक कर जाने वाला हूँ। अजी मोए मोला लाइफ द फर्स्ट टाइम मोन ले आई छे और अजी रे दी अपनी आलो थगी ना जावले से और मैं हमेशा से ईस्टर्न नागालैंड का ये हिस्सा नागालैंड का एक जमाने में नेफा का हिस्सा हुआ करता था और आप लोगों की देशभक्ति की गुणगान पूरा हिंदुस्तान उसको सलाम कर देखता है। ईस्टर्न नागालैंड लगा इतु जगह तो पुला नेफा लगा अंदर दे थकी से और इतु टाइम दे अपने इतु कंट्री करने की सेक्रिफाइस कर से इतु कंट्री पर अपने सब के सैल्यूट कर रहे से कि नागालैंड की पीस टॉक सफल हो और वर्षों पुरानी नागालैंड की समस्या का भी जल्द से जल्द समाधान हो। और आज मोय गौले मोना से पूरा नागालैंड करने इजा सॉल्यूशन की है से इतु भारत तक जल्दी आने की ना सेटलमेंट आने रहे कुरी है से और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नेतृत्व में गृह मंत्रालय नागालैंड की सभी इमोशन से अवगत है आपके सम्मान के साथ इस समझौता करने के लिए हम आगे वार्ता करेंगे। और मैं अपने खता दी बोले मन से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और यदि होम मिनिस्टर पूरा तहन काम करना अपने रेस्पेक्ट दिखना इतु सोल्यूशन तो जल्दी आने बोले कुरी है। मित्रों ईएनपीओ के साथियों ने कुछ समय पहले इलेक्शन का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। सती खान ओलुप दिन आगे दे ईएनपीओ खान रा इलेक्शन दे तहन पार्टिसिपेट नुगुरुबो इना डिसीजन लोगे ना थागी छे बहिष्कार के कारण भी योग्य थे बॉयकॉट कुरिबो वाला की रीजन थागी छे तू तो खोसा थागी छे मगर हमने ईएनपीओ के साथ ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ चर्चा की उनकी मांगों को समझा है और मैंने विश्वास दिलाया है कि चुनाव के बाद भीओ साहब के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनेगी हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मैं डिसीजन लुजे तहन माती ना डिस्कस लुजे प्रॉब्लम खान पूरा डिस्कस करी ना इजा अमाला सीएम लोग गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट लोग डिसाइड करना इजा पूरा इतु अमाला इश्यूज तो सॉल्यूशन दिवले डिसीजन लोगी ना से इलेक्शन पिछले चाहे वो बजेटरी प्रोविजन रिलेटेड हो चाहे यहाँ की काउंसिल को अधिक अधिकार देने हो चाहे यहाँ के विकास में हिस्सेदारी पूरे नागालैंड में बरोबर हो इस सभी चीजों का समाधान भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी की गवर्नमेंट लाएगी और इतु दे बजट लगा अलग प्रोविजन और पीछे दे जमाला रिप्रेजेंटेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट ईएनपीओ एरिया लगा तदे साइड बोले ऐसे इसलिए
मैं ईस्टर्न नागालैंड के सभी भाइयों बहनों को कहकर जाना चाहता हूं कि भारत सरकार आपके साथ है। रियो जी ने भी कहा है कि जो कुछ चर्चा के बाद तय होता है इसमें वो साथ देंगे, तो अब आपकी समस्याओं का समाधान बहुत दूर नहीं। विश्वास दीवले मन से कि इतु लगा सोल्यूशन तो की आसे दूर नय इजा मान ऑनरेबल सीएमपी आसे सब मिलि गेले इतु सोल्यूशन दीवले अपने दीवले मन से खता।